इस प्रकार से बिहार पुलिस की एक नई पहल, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, इन थानों में महिला हेल्प डेस्क में का बैनर भी अब लगा दिया गया है, जिससे महिलाओं को वहां पहुंचने में, वहां अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं हो और पीड़ित और ज़रूरतमंद महिलाओं की पहुंच भी थाने तक बढ़ रही है और महिला हेल्प डेस्क के द्वारा यथोचित कार्रवाई कर उन्हें विधिक सहायता और विधिक लाभ भी पहुँचाया जा रहा है। 296 महिला हेल्प डेस्क शहरी थानों में है और 554 ग्रामीण थानों में। कुल अगस्त 2023 तक 32,345 मामले थे, जिसमें हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई भी की। इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला हेल्प डेस्क की पहचान बन रही है, बिहार पुलिस में थानों में एक नई परंपरा, नई प्रणाली विकसित हुई है और पीड़ित और ज़रूरतमंद महिलाओं की पहुंच भी थाने तक बढ़ रही है और महिला हेल्प डेस्क के द्वारा यथोचित कार्रवाई कर उन्हें विधिक सहायता और विधिक लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। इन थानों में महिला हेल्प डेस्क में का बैनर भी अब लगा दिया गया है, जिससे महिलाओं को वहां पहुंचने में, वहां अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं हो और इन 850 जो थाने, जो महिला हेल्प डेस्क है, उसका हमने विश्लेषण भी किया है। 296 महिला हेल्प डेस्क शहरी थानों में है और 554 ग्रामीण थानों में भी। इस प्रकार से बिहार पुलिस की एक नई पहल, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और उनको विधिक सहायता देने के लिए महिला हेल्प डेस्क की नई पहल, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम हो रही है और प्रेस के माध्यम से मैं बिहार की सभी महिलाओं से ये अनुरोध करता हूँ कि किसी भी थाने पर, कहीं पर भी जाने पर आपको कोई दिक्कत है तो महिला हेल्प डेस्क को निश्चित रूप से कॉन्टैक्ट करें। थानों पर या वरीय पदाधिकारियों पर या पुलिस अधीक्षक के यहाँ जा करके अपनी शिकायत रखने का विकल्प तो उनके पास है ही और उनको विधिक सहायता देने के लिए महिला हेल्प डेस्क की नई पहल, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम हो रही है और प्रेस के माध्यम से मैं बिहार की सभी महिलाओं से ये अनुरोध करता हूँ कि किसी भी थाने पर, कहीं पर भी जाने पर आपको कोई दिक्कत है तो महिला हेल्प डेस्क को निश्चित रूप से कॉन्टैक्ट करें। थानों पर या वरीय पदाधिकारियों पर या पुलिस अधीक्षक के यहाँ जा करके अपनी शिकायत रखने का विकल्प तो उनके पास है ही।